यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अच्छा मैम क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं। ये क्या बता रहे हो आप? सूप है। सूप? काचरा सूप। अच्छा काचरा सूप, ओके। उनको ऑर्डर का है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तो आपने बंगलो 12 के देख लिए। आज हैं हम 24/7 फिलोज के अंदर। यहां पे होने वाला है हमारा फाइनल राउंड और हमें मिलने वाली है जोधपुर की किचन क्वीन। अगर आपने पहला और दूसरा राउंड नहीं देखा है तो आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे लाइव किचन में कुकिंग करने वाली है हमारी कंटेस्टेंट्स। आज इनके लिए कंपटीशन काफी टफ होने वाला है क्योंकि इनको खुद को नहीं पता आज इनको बनाना क्या है। अभी तक पहले दो राउंड्स के अंदर तो पहला जो राउंड था उसमें इन्होंने घर से बना के लाए थे और सेकंड में इनको फायरलेस कुकिंग मिला था। जो अब है वो ये किचन के अंदर इन्हें लाइव कुक करना है खाना। बाकी सारी चीजें तो सिंपल होती है लेकिन प्रोफेशनल किचन में काम करने में ना काफी दिक्कतें आती है, जैसे फ्लेम्स। घर वाले बर्नर का जो फ्लेम होता है ना वो काफी धीरे होता है, तेज वाला भी धीरे लगता है लेकिन प्रोफेशनल किचन का काफी हाई होता है। साढ़े ग्यारह का टाइम था, हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया, उसके लिए सबको सॉरी। लेकिन इसके लिए फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं, डेजर्ट तक ले जाना है आपको सूप से, लेकिन हम आपको डेजर्ट के लिए फ्रूट भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब तो आपके चेहरे पर स्मिता आनी चाहिए, इसे सिंपल रेडी मैम, ओके 1 2 3 चलिए। सबको अपनी अपनी एक सिंगल चिट मिली है, उसके अंदर अलग अलग वेजिटेबल और फ्रूट है, उन सबको लेके इनको अपनी अपनी डिशेस क्रिएट करनी है 1.5 घंटे के अंदर अंदर। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे किसी को आलू मिला है और फ्रूट मिला है अनार, तो आलू हो गया आपका कोर वेजिटेबल्स। अब आलू के साथ आपको सूप भी बनाना है, स्टार्टर भी बनाना है और मेन कोर्स भी बनाना है, और जो रहा अनार, अनार का आपको एक डेजर्ट बनाना है। सिंपल है बट टाइम कंज्यूमिंग भी है। और यहाँ पे जो हमारी होम शेफ से उनको सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ लेकिन हमने यहाँ पे सबकी सोचने में काफी मदद करी ताकि इनको कुछ भी ज्यादा हार्ड ना लगे, आखिर ये होम शेफ है ना। पानी मैं ला देंगे, प्लास्टिक जल रहा है, नहीं। क्या रहा? ये गैस जल गया आपका, ये लीजिए, जा रहा मैम, ये लीजिए। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है और थर्ड राउंड का आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको पार्टिसिपेंट के बाद ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखिए किचन की कंडीशन देखिए, सारे चारों तरफ पार्टिसिपेंट काम कर रहे हैं और मैं दिखाता हूँ आपको। मैम क्या हो गया, क्या बन गया? सब कुछ बन गया ना, बन रहा है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप फास्ट करते जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पर ये सब वापस हमको गरम करने पड़ेंगे ना। कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर आएगा जब गरम करना है ना आपको, है ना, जब एक एक करके नंबर आएगा। अरे वाह मैम, कौन से पकौड़े बना दिए? अरे वाह, चलिए आलू के पकौड़े भी बन गए इधर। अब आते हैं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ये क्या बता रहे हो आप? सूप? काचरा सूप। अच्छा काचरा सूप, ओके। पीसेस छोटे करने थे आपको, ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, ये छोटे कर दीजिए, ये तो सब्जी जैसा हो जाएगा। ओके डन। अरे वाह, चलिए आप करते जाइए, आप कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? उसी से डायरेक्ट निकालना था ना, इसी से डायरेक्ट निकालते हैं। कंटेस्टेंट्स को अपने मार्क्स दिए जाएंगे उनकी हाइजीन पे, उनके टेस्ट पे
उनकी अपीरियंस पे और खाने की टेंडरनेस पे, और तो और उसकी गार्निशिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। किचन में सबको एक्शन में देखने के बाद मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि कोई हारा हो। सब ने बहुत ही ज्यादा तरीके से एफर्ट्स डाले और बहुत अच्छा काम किया। फर्स्ट हाफ में तो सबको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई फ्लेम्स को लेके, लेकिन उसके बाद सब ने बहुत अच्छा काम किया। आप देख रहे हैं ये सामने मखनी ग्रेवी बन रही है। जो लेवल था ना इस कंपटीशन का वो काफी ज्यादा अच्छा था और हाई था। ट्रेनर इन सब के बीच में हमारे चीफ गेस्ट भी आ चुके थे। ये हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और टूरिज्म सेक्रेटरी फॉर्मर, जिनका नाम है ललित के पवार। ये लीजिए, हम गार्निशिंग अच्छे से करिए। टाइम चेक कर लेना। टाइम कुकिंग टाइम जो था 1.5 घंटा वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब मिले हैं 10 मिनट, और ये 10 मिनट मिले हैं इन्हें गार्निश करने के लिए। फाइनल गार्निशिंग करके फिर आपको जजेस के पास ले जाना है सारी डिशेस को। चलिए, सारी डिशेस आ गई है जजेस के सामने, और जजेस एक एक करके सारी डिशेस को टेस्ट कर रहे हैं और अपने अपने मार्क्स दे रहे हैं। आप भी सारी डिशेस को एक बार ढंग से देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी वाली आपको ज्यादा सही लग रही है। ऑलमोस्ट इस कॉन्टेस्ट के हम एंड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि सारी चीजें जजेस ने टेस्ट कर ली है। अब फाइनली बारी है रिजल्ट की कि कौन जीतने वाला है। इस बीच में मैं आपको फिर से बता दूं, यह है हमारे चीफ गेस्ट जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और फॉर्मर इंडियन टूरिज्म सेक्रेटरी है। इनका नाम है ललित के पवार। अब आगे चलते हैं और रिजल्ट्स देखते हैं। टोटल 10 जने थे, और 10 जनों में ये मैम जो थी वो आई थी नंबर 3। उसके बाद टॉप 2nd में मैम आई थी ये वाली। आप मेरा हनुमान की जो उधर पार्टिसिपेंट्स को देखो। अच्छा, उसका वीडियो देते हैं। अभी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है। नहीं, नवरात्रा तो है ही सही, तो दीपाली जयसवाल। तो यहां पे खत्म होता है हमारा जोधपुर किचन क्वीन का 2nd सीजन।